फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा केयर। माय नेम इज अनिल कुमार शर्मा। टुडे टॉपिक्स आई विल कवर टुडे इज द प्राइमरी ग्लैकोमा। अंडर द प्राइमरी ग्लैकोमा वी विल कवर द क्रॉनिक एंगल ग्लैकोमा, क्रॉनिक क्लोज ग्लैकोमा, कॉन्जेटल ग्लैकोमा, एक्यूट एंगल ग्लैकोमा एंड द सेकेंड टॉपिक वी विल कवर द सेकेंडरी ग्लैकोमा। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द आई। The outermost layer is the conjunctiva, then iris. Below the this one, this is the iris. This part is iris, and the below the iris there is the lens. This is the lens, and between the two part of iris there is the colorful point that is known as a pupil, and the bulge out portion of this area of the eye is this part is known as the cornea, and the outermost layer is known as the conjunctiva. The eye is divided into the two parts, that is known as the anterior chamber and the vitreous chamber. In the anterior chamber aqueous humor is formed, in the vitreous chamber jelly like part is part and the vitreous humor is formed. There is a body which is known as ciliary body which help in accommodation of the lens. The anterior layer of the eye is known as retina. Second layer is known as a choroid. The image is formed in the retina and the macula. In between the macula there is a point known as a fovea is also present, which is a yellowish point. This is the blind spot of the eye where no image is formed, and this is optic nerves which will go to the brain and image is formed according to the brain. Thank you. Now I will talk about the glaucoma. What is the glaucoma? Glaucoma, this is the group of condition in which there is increased intraocular pressure. We can say intraocular pressure as IOP in further video. Due to the impaired drainage of aqueous fluid through the scleral venous sinus is also known as canal of sclema. I have told you in the previous anatomy of the eye. In the angle between the iris and cornea in the anterior chamber, glaucoma ek condition hoti hai jis condition mein aapka intraocular pressure क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो कैनाल ऑफ स्क्लेमा होती है ना आपकी, कैनाल ऑफ स्क्लेमा वो डैमेज हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है. ये कैनाल ऑफ स्क्लेमा एंगल बिटवीन आयरिस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होती है. ये आईओपी डैमेज या फिर इंक्रीज होता क्यों है, या ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज होती क्यों है, ये डैमेज होती क्यों है. इसमें दो कंडीशन होती है. पहले कंडीशन में होता है एक मैकेनिकल कॉम्प्रेशन होता है और एक कॉम्प्रेशन ऑफ इट्स ब्लड वेसल का कॉम्प्रेशन होता है, जिसकी वजह से आईओपी बढ़ जाता है और आईओपी बढ़ने के कारण आपका ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है और इश्चीमिया का कॉज भी हो सकता है. इश्चीमिया होती है आपकी किसी भी सेल की, ब्लड वेसल या सेल की डैमेज होने को इश्चीमिया बोलते हैं, जिसकी वजह से कैनाल ऑफ स्क्लेमा आपका कैनाल ऑफ स्क्लेमा जो होता है आपका रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और जिसकी वजह से एक्वस फ्लूड बाहर नहीं ड्रेनेज नहीं हो पाता उसका, और फिर उसकी वजह से आपकी ग्लैकोमा की कंडीशन हो जाती है. आई विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लैकोमा. अगर किसी भी पर्सन को ग्लैकोमा अगर हो गया बाई चांस, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को क्या क्या कंडीशन या क्या क्या कॉज हो सकते हैं. पहले कंडीशन होता है आपका डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व का सबसे फर्स्ट एंड मेन ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इम्पेयर्ड विजन हो सकती है, या फिर कोई भी पर्सन को कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लाइंड हो सकता है पर्सन. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लैकोमा. I will talk about the types of glaucoma. First, I will talk about the primary glaucoma, in which first topic is the chronic angle glaucoma.
इट इज़ द ग्रेजुअल पेन विजन। इसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे किसी भी बंदे को अगर क्रॉनिक एंगल ग्लैकोमा होगा, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली पेन होगा, पता नहीं चलेगा उसको। पेरिफेरल, सेकेंड पॉइंट इज पेरिफेरल विजन इज लॉस्ट, पेरिफेरल विजन इज लॉस्ट बट मे नॉट बी नोटिस्ड अंटिल ओनली सेंट्रल विजन रिमेन्स। ये बोल रहा है ग्रेजुअल है ना, ग्रेजुअल पेन की वजह से उसको पता नहीं होता कि ग्लैकोमा हुआ भी है नहीं हुआ, जिसकी वजह से पेरिफेरल ग्लैकोमा, पेरिफेरल विजन जो है वो पहले लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी बंदे को इस ग्लैकोमा के बारे में नोटिस नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट, एज अ कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस होती है वैसे जैसे वैसे वैसे ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना, और एट्रोपी इज ऑल्सो द डैमेज, वर्ड ऑफ डैमेज, एट्रोपी होने लग जाती है ऑप्टिक डिस्क की या ऑप्टिक नर्व्स की, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल लॉस लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। मोस्टली ये 40 ईयर्स ऑफ एज में मोस्टली देखा जाता है, 40 ईयर्स ऑफ पर्सन ऑफ एज में देखा जाता है। सेकेंड ग्लैकोमा टाइप इज क्रॉनिक क्लोज एंगल ग्लैकोमा। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है कि आईओपी बढ़ जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर राइज हो जाता है ग्रेजुअली, जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे आपको, सिर्फ हल्का हल्का पेन होगा इसमें भी। इसमें भी पेरिफेरल विजन का ही डैमेज होता है, जिसमें डेटेरियोट होता रहता है विजन, कम होती रहती है, और जिसके बाद फॉलोड बाय एट्रोपी ऑफ, जिसमें पहले पेरिफेरल विजन खत्म होगी, उसके बाद एट्रोपी हो जाएगी ऑप्टिक डिस्क की, और जिसकी वजह से तुम, जो भी बंदा, जिसको भी क्रॉनिक क्लोज एंगल ग्लैकोमा हुआ है, वो विजन लॉस कर जाता है। थर्ड वन इज कॉन्जाइटल। कॉन्जाइटल एज वी नो, कॉन्जाइटल वर्ड इज यूज फॉर दी इनहेरेंट डिजीज, इनहेरेंट जो फैमिली से आया है, ये जो भी एबनॉर्मल डैमेज हो रखा है, ये जो भी है, या तो फैमिली फैमिलियर की वजह से है, या फिर मैटरनल इन्फेक्शन है, जो कि रेबुला, रेबुला एक प्रेगनेंसी की स्टेज होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी मैटरनल इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से होगा, या फिर फैमिली की वजह से, तुम्हारे फैमिली की वजह से आ गया है। नाउ द लास्ट वन इज एक्यूट एंगल ग्लैकोमा। एक्यूट एंगल ग्लैकोमा ये सबसे मोस्ट कॉमन ग्लैकोमा टाइप होता है, जिसमें 40 ईयर्स ऑफ एज के बंदे को ये मेनली होती है, और यूजुअली एक ही आई को अफेक्ट कर सकती है, दोनों को भी कर सकती है, बट मेनली एक ही को करती है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ड्यूरिंग लाइफ द लेंस ग्रेजुअली इंक्रीज। इस वाली कंडीशन में एक्यूट क्लोज एंगल ग्लैकोमा में मेनली जो लेंस होता है वो, उसका साइज बड़ा हो जाता है, और जो लेंस होता है ना वो आयरिस की तरफ बढ़ने लग जाता है, आंख आगे आएगी, मतलब आयरिस आगे आ जाएगी, आयरिस मतलब लेंस आगे आएगा आयरिस की तरफ, क्योंकि वो बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो डिम कंडीशन में जब, व्हेन प्यूपिल डायलेट्स, जब प्यूपिल डायलेट होगी तो आयरिस बल्ज होगी, आयरिस बल्ज होगी तो फर्दर वो फॉरवर्ड की तरफ आएगी, जिसकी वजह से कॉर्निया के कांटेक्ट में आ जाएगी और ब्लॉकेज कर देगी किसका, स्क्लेरर वेनस साइनस, मतलब कैनाल ऑफ स्क्लेमा का ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से आईओपी होगा, आईओपी बढ़ जाएगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा तो पेन होगा, और पेन होगा तो एज वी नो द एक्यूट ग्लैकोमा के सिम्टम्स हो गए। विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्लैकोमा वी हैव कवर्ड टिल नाउ इज प्राइमरी ग्लैकोमा। सेकेंडरी ग्लैकोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी डिसऑर्डर इज एंटीरियर यूवेटिस। एंटीरियर यूवेटिस होता है, एक स्मॉल पोर होता है एज लाइक द कैनाल ऑफ स्क्लेमा, बट एडजेसेंट, प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कैनाल ऑफ स्क्लेमा विद द फॉर्मेशन ऑफ एडहेजन। ठीक है, अदर प्री डिस्पोजिंग प्राइमरी इंक्लूड, प्राइमरी सेकेंडरी ग्लैकोमा में क्या होता है, प्राइमरी जो कंडीशंस होती हैं वो तो होती होती हैं, बट इंक्लूडिंग
अदर ऑल्सो कुछ और भी सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें इंट्राओक्युलर ट्यूमर भी हो सकता है, एनलार्ज हो सकती है आँखें, कैटरेक्ट हो सकता है, सेंट्रल रेटिना वेन को एक्लूजन हो सकता है, इंट्राओक्युलर आपका हेमरेज हो सकता है और ट्रोमा भी हो सकता है इस आइज में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, प्राइमरी के डिसऑर्डर्स तो होंगे होंगे बट सेकेंडरी और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे इंट्राओक्युलर ट्यूमर या फिर एनलार्ज ऑफ कैटरेक्ट या फिर रेटिनल वेन एक्युलेशन होता है, इंट्राओक्युलर हैमरेज भी हो सकता है और ये सेकेंडरी में ट्यूमर भी हो सकता है, ट्रूमा भी हो सकता है आई का। ये बहुत एक डेंजरस ग्लैकोमा हो सकता है जिसमें सर्जरी थोड़े वक्त तक तो सही हो सकती है बट डैमेज होने के चांसेस पूरा हैं आइज के, और ब्लाइंड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसमें आइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस माई चैनल फार्मा केयर। थैंक यू।